राजधानी दिल्ली में महिलाओं के साथ क्रूरता के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरे देश को झकझोर देने वाले कंझावला कांड के बाद अब दिल्ली के आदर्श नगर इलाके से एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दोस्ती तोड़ने पर नाराज सिरफिरे युवक ने अपनी ही महिला दोस्त को चाकू से गोद डाला। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सनकी युवक ने चाकू से लड़की पर कई वार किए। फिलहाल पीड़िता को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं आरोपी को भी पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मामला 2 जनवरी का है। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक युवती को उसके ही दोस्त ने चाकू से गोद दिया। दोनों दोस्त थे। बाद में दोनों के बीच किसी बात को लेकर दरार आ गई। इस पर आरोपी ने युवती को चाकू से गोद डाला। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आरोपी युवती को मरा समझकर फरार हुए युवक को पुलिस ने हरियाणा के अंबाला से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पीड़िता डीयू के एसओएल से बीए की पढ़ाई कर रही थी। पीड़िता और आरोपी सुखविंदर की दोस्ती 5 साल पहले हुई थी। आरोपी परिवार को पसंद नहीं था, इसलिए पीड़िता ने उससे धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी। वह आरोपी से बात नहीं कर रही थी। पीड़िता ने बताया कि वो सोमवार दोपहर को कार ड्राइविंग सीखने के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान आरोपी ने उसे बात करने के बहाने बुलाया। दोनों बात करते हुए गली में जा रहे थे। इस दौरान आरोपी ने उससे दोस्ती तोड़ने की वजह पूछी। देखते ही देखते आरोपी ने युवती के गले, पेट और हाथ पर करीब आधा दर्जन ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिए।